देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां यूपी में योगी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और योगी सरकार ने अब अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दी है। उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी प्रयागराज वासियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में क्या कहा है, संक्षेप में हम उसकी कुछ खास झलकियां दिखाएंगे और साथ ही हम आपको प्रयागराज वासियों की क्या राय है हम वो भी दिखाएंगे। तो पहले हम आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, फिर दिखाते हैं प्रयागराज वासियों ने अपनी अपनी राय में क्या कहा। द्रुत गति से आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के रूप में आज के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश संगठन के साथ ही मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग हमारे साथ में रहा है उसके परिणाम स्वरूप हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। याद करिए 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया। माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 21 फोकस सेक्टर्स की पॉलिसी को बनाने का कार्यक्रम रहा हो, प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे विकास के लिए? विकास के नाम पर सिर्फ ढोकला है, समझ गए, विकास कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ विकास कहने के लिए हुआ। हमारे मोहल्ले में आज भी गाय भैंसिया उसी तरह से गोबर से लिपा जा रहा है, फेंका जा रहा है, कूड़े उसी तरह से फेंके जा रहे हैं, क्या विकास, इसको विकास कहते हैं? ये विकास नहीं है, विकास के नाम पर ढोकला है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था रोज आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना किसी तरह मर्डर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ये सब एक दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। आपके शहर में सरकार के 3 साल पूरे हो गए, आपके शहर में क्या विकास है और महिलाओं की जो सुरक्षा के कहा गया था उस पर क्या है और आपके कानून व्यवस्था क्या है शहर में? सबसे पहले आपको धन्यवाद, जिसके माध्यम से हम कुछ अपनी भावना व्यक्त कर पाएंगे। शहर का विकास तो चहुमुखी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे हमारे प्रयागराज में रिकॉर्ड टूटे हैं जो आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से,
और रही बात महिला की सुरक्षा, वो थोड़ी कमज़ोर हमको दिखती है कहीं कहीं, उसमें थोड़ा सा और योगी जी को तटस्थ होना पड़ेगा, वो महिला सुरक्षा थोड़ी कमज़ोर हमको दिखती है। बाकी विकास के लिए प्रयागराज में बहुत कुछ काम हुआ है, महाकुंभ हुआ वो आप सब लोग ने देखा है, स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है वो भी आपने देखा है, और जागरूकता है हर चीज़ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, शिक्षा के लिए, अभी आप लोगों ने विकलांग के लिए देखा होगा कितना अच्छा मोदी जी ने कितने लोगों को उसमें कल्याण किया, तो सब तो अच्छा है, लेकिन हाँ महिलाएं थोड़ा सा हम लोगों को सुरक्षा ज़्यादा चाहिए जो हम लोग को कम दिखती है। कानून व्यवस्था ठीक है, थोड़ी सी इसमें भी तटस्थता चाहिए, थोड़ी से नियम चाहिए, थोड़े से ऐसे कानून बनाएं जो कि लोग पालन करें, जिसमें कि लाचारी ना हो और पैसा इत्यादि से ले के लोभ दे के कोई किसी कानून को तोड़ ना सके, उस पर भी थोड़ा सा योगी जी को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका। क्या व्यवस्था है, क्या विकास है आपके शहर? कोई विकास नहीं है और बिजनेस का ये हाल है कि व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है, कुछ जमीनी स्तर पर सरकार को सौंपना चाहिए। कोई कानून व्यवस्था का क्या है? कानून व्यवस्था कुछ लचर है जिसकी वजह से अराजकता फैली हुई है और इसके सरकार को संज्ञान में लेकर के देखना चाहिए। आपका परिचय? पवन मेहरोत्रा। मैं दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, जहाँ तक जो है देखने की बात है तो लालटेन लेकर भी अगर निकलिए तो कोई विकास का तो कोई सेक्टर हमको इलाहाबाद शहर में तो नहीं दिख रहा। जरा बता दें भाई, सरकार ही बता दे कहाँ पर उन्होंने उद्योग लगाए, कहाँ पे उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का जो है बढ़ाने के लिए, इलाहाबाद का बढ़ाने के लिए आपने क्या काम किया, या प्रयागराज करने के अलावा आपके पास जो है इलाहाबाद में देने के लिए 3 साल में कुछ भी नहीं है। मार्केट सन्नाटा है, व्यापार ठप हो चुका है, उद्योग जितने भी नैनी के बचे हुए थे बाकी तो सब चाट गए थे लोग, इक्का दुक्का जो बेचारे बचे हुए थे TSL वगैरह जो है वो भी बंदी के कगार पर हैं, तो कहाँ पर ले जाएंगे? हमारा अपना कहना ये है कि विकास के संदर्भ में हर लोकतांत्रिक सरकार का अपना जो है प्रायोरिटी एजेंडा होता है, मतलब जो है उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। योगी जी की सरकार की प्रायोरिटी विकास के नाम पर दो थी, एक तो जो है गौ पालन और दूसरा बंदर पालन, और तो एजेंडा हमें नहीं लगता इनकी कोई प्राथमिकता थी। और गौ पालन पे ही अगर हम जाएं तो 3 साल में 1 लाख गाय, ये बड़ा आरोप लगा रहा हूँ और इस पर स्पष्टीकरण भी चाहता हूँ कि अगर ईमानदार सरकार है तो स्पष्टीकरण दे। समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने एक अपना सर्वे करके आंकड़ा बनाया है और उसके अनुसार 3 साल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न गौशालों में 1 लाख गाय मर गई, दैवीय आपदा से मर गई, खाना पीने का इंतजाम ना होने की वजह से मर गई, कई गौशाला में बिजली का तार गिर गया उससे मर गई। अब आप ये बताइए कि जब गौए यानी लाइव स्टॉक में ही अगर उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी प्रदेश हो जाता, योगी जी जैसे बंदर और गाय को प्राथमिकता पे रखते हैं, तो अगर इसी में नंबर एक हो जाता उत्तर प्रदेश तो हम लोगों को गर्व होता कि भैया गौएं जो है इतनी फल फूल गई कि दूध की नदियां उत्तर प्रदेश में बह रही, तो वो भी नहीं दिख रहा। अब रही बात जो है महिला सुरक्षा की, तो देखिए इस पे एक बड़ा रोचक तत्व मैं दे रहा हूँ कि सरकार, जरा ध्यान दीजिएगा कि सरकार स्त्री लिंग है। क्यों? क्योंकि सरकार बनती है, चलती है, करती है, तो ये जो करती बनती चलती है ये स्त्री लिंग का सूचक है और स्त्रीत्व में लचक होनी चाहिए। इस सरकार के अंदर स्त्रीता का वह लचक ही नहीं है,
योगी जी जो है उस तरीके से सरकार के घोषणाओं को और अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के ऐलान को उस तरीके से करते हैं कि जैसे कि एकदम जो है दरोगा रोगा जो है, मतलब सरकार के अंदर जो लोच होना चाहिए, लचक होना चाहिए, माने सरकार स्त्री लिंग का जो है प्रतीक है, तो वो लचक है ही नहीं इस सरकार के अंदर। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी के लिए भी जो है जो भी कानून आप बना रहे हैं, लग रहा है कि एकदम उसके बांस लेके घुसेड़ देंगे। आपने बनाया मोटर व्हीकल एक्ट, कितने लोगों को जो है परेशान किया, और आज आपका जो है हेलमेट और जितना पोल्यूशन वाला जितना भी वो था, आपने पिछले साल नाटक किया जो है 6 महीने लोगों को त्राहिमाम करा दिया, और वो आपका फेल है। कानून व्यवस्था सरकार तो कह रही है कि गुंडा बचा नहीं यूपी में, और अमित शाह जी दिल्ली में कह रहे हैं कि 300 गुंडे आए थे दंगा करने दिल्ली में यूपी से, तो ये कौन वाले हैं? ये योगी जी के अस्तबल वाले गुंडा हैं, या जो है ये सरकारी खुला जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं वो वाले गए थे दिल्ली? अब इसको योगी जी पहले अमित शाह जी को मनावें कि अमित शाह जी ऐसा बयान ना दें, तो ये तमाशा है और क्या कहा जा सकता है। देखिए, शहर का विकास आप देख रहे हैं, 3 साल पहले जब हम प्रयागराज की उस स्थिति को देखा है, जब हमारे शहर पश्चिमी विधानसभा, शहर पश्चिमी ही नहीं पूरे प्रयागराज की जो विकास का जो आपने मॉडल देखा है, वो कुंभ 2019 में एक नया स्वरूप प्रयागराज का दिखाई पड़ा है। इंडियन आयोसियल से लेकर के असरावल कला तक का, खुल्दाबाद से असरावल कला तक का, बमरौली एयरपोर्ट भी नया बना है, साथ साथ में क्या बोलते हैं कि कई चीज़ें हमारे प्रयागराज में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, निश्चित तौर से बहुत सराहनीय है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, देखिए ये सत्य है कि सपा और बसपा के राज में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, व्यापारी ध्वस्त है, लेकिन इस समय निश्चित तौर से पहले की अपेक्षा कानून व्यवस्था में 80% का सुधार हुआ है। 20% जो रह गया है उस पर भी पुलिस वर्कआउट कर रही है, जल्दी उस पर भी लगाम लगेगा। दिनेश तिवारी, मीडिया प्रभारी। आप क्या कहना चाहेंगे, विकास कैसा है आपके शहर में? भाई, शर्म की बात है, मुझे अफसोस होता है कि सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और विकास के नाम पे 0 है। आप खाली बात करते हो, आप सिर्फ बात को जो है घुमाते हो, आप मुद्दे को, जो मुद्दा है मेन मुद्दे की आप बात नहीं करते हो, जो मुद्दा नया चालू हो जाता है दूसरे मुद्दे को फिर नया चालू करके आप सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हो। बेरोजगारी नील है, GDP एकदम गिरी हुई है, शेयर बाजार के हालात आप देख लीजिए एकदम चौपट है। अब आजकल एक आ गया है कोरोना वायरस, अब इसी को ज़्यादा वो जागृत करके अपनी पूरी नाकामी को वो छुपाने में लगे हुए हैं। आपके शहर में कानून व्यवस्था को लेकर, आपके कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद है। कानून व्यवस्था के नाम पे ये कहेंगे आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं कानून में, इस कानून में इतनी मतलब इस तरीके से हो रहा है कि ये तड़ी पार लोग इस तरीके से सरकार पे बैठ गए हैं और वो अपना जुर्म छुपा के दूसरे लोगों को जुर्म साबित कर रहे हैं, दूसरे लोगों को वो कर रहे हैं। अभी आपने लखनऊ में एक देखा होगा कि अभी पोस्टरबाजी वहाँ पे करवाई थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जब उनके खुद के पोस्टर लग गए कि आप कितने बड़े गुंडे थे, आपने कितनी बसें तोड़ी थी, आपने कितनी आग लगाई थी, आपने कितनी आगजनी किया था, वो दिन आप भूल गए। और उसके बाद आप दोबारा, अब उस पोस्टर को जब लग गए तो उसके बाद आप उसमें गिरफ्तारी कर रहे हो कांग्रेसियों की। ये बड़ी शर्म की बात है, ये ओछी राजनीति चल रही है, ये जो राजनीति चल रही बहुत ही गलत राजनीति है। ये मतलब जो है भावना जो है इसकी बहुत धारणा से बहुत गलत की जा रही है। इस तरीके की राजनीति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका परिचय? इरफान उलग, महासचिव कांग्रेस। हो गए हैं आपके शहर में, किस तरह से विकास हो रहा है? अब विकास आप देख ही रहेंगे, 3 साल हो गए हैं, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जो है एकदम चरमरा गई है। इससे बेहतर तो जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी योगी दोनों जो है देश को बर्बाद करके रख दिया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गार घूम रहे हैं। अभी जो नया कानून आया है CA और NRC और NPR, इस पे जो है बेवजह लोगों को जो है दंगे के नाम पे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। इलाहाबाद में भी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन मोदी योगी जो है इन लोगों को ज़बरदस्ती का एक नया कानून ले करके और लोगों को
जो है उस कानून में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है इस तरह की सरकार को जो है फौरन बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति से मेरी मांग है कि वो योगी और मोदी सरकार दोनों को जो है तो बर्खास्त करे। आपका परिचय? अफसर महमूद। इस पे शहर में आपके क्या विकास है और महिला सुरक्षा पे क्या हुआ है और किसान व्यवस्था पे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर यह सरकार पूर्ण रूप से असफल रही। बेटियां असुरक्षित हैं, आए दिन घटनाएं इस प्रयागराज में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी पर है। कानून व्यवस्था के सवाल पर यह सरकार पूरी तरह से बद से बदतर हालत हो गई है। अपराधियों का नंगा नाच है, अपराधी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। घटनाएं जो प्रयागराज में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ज़्यादातर उन घटनाओं का खुलासा ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात, इन्होंने 3 साल, मेरा तो अपना मानना है पूरी तरह से यह सरकार असफल रही। और हम ही नहीं कह रहे, आप किसी से पूछ सकते हैं, यह सरकार सफलता की ओर कहीं भी नहीं कहा जा सकता इस सरकार को। अपना परिचय? मुकुंद तिवारी, नेता सदन, पार्षद दल कांग्रेस। सरकार को पूरे आपके शहर में किस तरह से विकास है? 3 साल तो पूरा हो गया मोदी सरकार के, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बकवास हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की कहीं गड्ढा मुँह सड़क कर देंगे, आज तमाम ऐसी सड़कें जो गड्ढा से भरी पड़ी हैं। और तमाम बड़े बड़े वादे किए, जो वादा पूरी तरीके जुमलेबाजी साबित हुआ। उन्होंने कहा कि 800 आदमी की वैकेंसी निकलती है, उसमें लाखों लोग फार्म भर रहे हैं, और उसके बाद तमाम नौजवान डिग्री लेकर टहल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है, योग्य आदमी नहीं मिल रहे हैं। कहें कि राम राज आ गया, सीता का हरण हो रहा है, घर से उठ के बच्ची दरिंदगी की शिकार हो रही हैं, यही सब काम हुआ है। कानून व्यवस्था क्या क्या हाल है? कानून व्यवस्था पूरी तरह अपने चरम पर है। सिर्फ फर्जी काउंटर हुआ लोगों का, जो लोग बेगुनाह थे उनका फर्जी काउंटर हुआ, और जो लोग दोषी हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, वो तो खुला घूम रहे हैं। पुलिस का संरक्षण उनको, सरकार का संरक्षण उनके हुए। किसानों का क्या हाल? किसान पूरी तरह बदहाल है। अभी देखिए, जो ये बेमौसम बरसात हुई है, जिससे गेहूँ की फसल पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार हो चाहे प्रदेश में बैठी सरकार हो, किसी के अभी तक जू नहीं रहेंगी है। सरकार के जो खून पसीने की कमाई लगा करके फसल तैयार करता है, आज उसकी फसल आपदा के कारण बर्बाद हो गई है। न मोदी जी की तरफ कोई स्टेटमेंट आया, न योगी जी तक स्टेटमेंट आया। कम से ये किसान हमारा अन्नदाता है, ये पूरे देश दुनिया खिलाता है। कम से कम ऐसे लोगों की फिक्र करिए, नौजवान डिग्री लेके बैठा हुआ घर में उसकी फिक्र करिए, बच्चियां घर से निकल के दरिंदगी का शिकार हो रही हैं उसकी फिक्र करिए। ये कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आज सैकड़ों हजारों साल से रह रहे हैं, उनसे आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और जो लोग बाहर से पाकिस्तान से, उनको आप नागरिकता दे रहे हैं। ये सब कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे देश का फायदा हो, देशवासी का फायदा हो, किसान का फायदा हो, मजदूर का फायदा हो। सिर्फ काम ऐसा हो रहा है जिससे इनके संरक्षण में पल रहे तमाम ऐसे संगठन, इनके संरक्षण में पल रहे हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। इफ्तिखार अहमद मंदर। 3 साल पूरे हो गए, क्या विकास है आपके शहर में? सरकार के जो 3 साल पूरे हुए हैं, मैं पहले तो सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि 3 साल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे शहर की जो है, हमारे शहर 2019 में जो कुंभ था, कुंभ के दौरान जो हमारे शहर का विकास किया है, प्रयागराज का विकास किया है सरकार ने, मैं उसको देखते हुए मैं सरकार के 3 वर्षों से बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आगे निरंतर सरकार 2 साल और बची है तो उसमें भी काम अच्छे करते रहे। जिस तरह का क्या हाल है आपके शहर में? देखिए, कानून व्यवस्था की जो बात है, कानून व्यवस्था की हर सरकार में ऐसी स्थिति रही है। कारण क्या है? क्योंकि सरकार के लोग गली कूचे मोहल्ले या किसी के घर में जाके वो नहीं करेंगे। ये कानून व्यवस्था में कुछ हमको भी अपना दायित्व समझना पड़ेगा। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो हमें भी अपना दायित्व समझना पड़ेगा। और कानून के तहत हमको अपनी जागरूकता को मेंटेन रखना है। मैं पंकज गौड़, रंगकर्मी, इलाहाबाद रंगकर्म के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल।